तो मार्च एंड हो गया, मंथ एंड हो गया, ईयर एंड हो गया, और तकलीफ ये है, मैंने वीडियो की थंबनेल में लिखा है बैड लक। बैड लक इसके लिए क्योंकि आज मेरे को तो चलो 13,640 का लॉस हुआ ही है, आई एक्सेप्ट इट, मेरे को लॉस हुआ है, मैंने मेरे रूल्स फॉलो किए, बट टुवर्ड्स द वेरी एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ चार्ट में ले जाके कि यहाँ पे जो निफ्टी 20 था, 22,500 से इतना बड़ा फॉल हुआ। मैं एक लाइव मीटिंग कर रहा था और उसमें मैं बता रहा था कि 22,500 से गिरेगा और इतना जबरदस्त गिरा, आई वॉज गिविंग देम स्प्रेड। हमने यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर हेजिंग करते करते कैप्चर किए, 50 पॉइंट्स विद हेजिंग, हेजिंग नहीं करते, एकदम हमने टॉप पकड़ा था। बट प्रॉब्लम इज व्हाई आई से बैड लक इज बिकॉज मेरे दो लॉस मेकिंग ट्रेड्स ऑलरेडी हो गए थे। अब यहां मैं आपको ये भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हो, इतना बड़ा मूव हो, आप एक लाइव मीटिंग में बैठे हो जहां पे लोगों को बता रहे हो क्या 22,500 से मार्केट गिरेगा, आप जिस मीटिंग में बैठे हो वहां पे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, लोग ट्रेड ले रहे हैं, प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, और आप लॉस में हो। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप फिर भी अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हो? मेरे रूल्स है कि मैं दो से ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, और मैंने वो रूल्स फॉलो किए। अब मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ व्हाट्सएप के चैट, अदरवाइज आई कैन शो यू कि आई वॉज टेलिंग देम कि यार निफ्टी 22,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है, वहां पे आप ये स्प्रेड करो, फिर एक स्प्रेड करो, फिर एक स्प्रेड करो, एंड एंड यू नो ऑल दैट आई कुड हैव डन दैट, सो लेट मी जस्ट रिवील इट ओवर हियर, सी ओवर हियर, इट वाज देयर, प्ले विद प्रॉफिट्स, प्ले विद प्रॉफिट एंड वी आर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग और अदर आई वुड से द फॉर्चुनेट थिंग इज कि मैंने ठान लिया था कि नहीं, मैं मेरे रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो करूंगा, दो ट्रेड के बाद कोई ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या आप में इतना डिसिप्लिन, इतना पेशेंस? देखो लॉस किया अग्रीड, बट रूल्स को फॉलो किया ना, इस बात का मुझे अभी जितना सेटिस्फेक्शन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। खैर ले चलता हूं मेरी पोजीशंस के अंदर, तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि 10:16 पे, लेट मी शो यू ओवर हियर, एक्चुअली ऑर्डर से थोड़ा नीचे नहीं जा रहा है, ओके आई थिंक इट विल गो नाउ, यस। सो आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट गोइंग डाउन, एनीवेज यू यू कैन सी दैट दो ट्रेड मैंने लिए। ट्रेड का लॉजिक यहाँ पे बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जब 22,300 के आसपास जब ये रिजेक्शन कैंडल बन रहा था, तब मैंने यहाँ पे दो बार शॉर्ट करने की कोशिश करी 22,300 पे, कॉल ओआई अच्छा था, चेंज इन ओआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ओआई भी अच्छा था, सो आई थॉट यहाँ से एक बैरिश मूव आ सकता है। सो एक ट्राई मैंने यहाँ पे किया जो अल्टीमेटली वापस ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पे फिर से ट्राई किया बट देन स्टार्ट कंसोलिडेटिंग। बट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 10:16 पे मेरे दो ट्रेड्स हो चुके थे, दो लॉस मेकिंग ट्रेड्स हो चुके थे, आई स्टॉप ट्रेडिंग। ये जो 15:07 का जो ट्रेड आपको दिख रहा है वो एक्चुअली आई वॉज इन अ लाइव मीटिंग, सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू वॉच द प्रीमियम कि क्या प्रीमियम किस तरह से मूव कर रहा है, और उसमें गलती से मेरे से ऑर्डर लग गया विच आई इमीडिएटली क्लोज आउट क्योंकि 100 क्वांटिटी थी, सो नथिंग ग्रेट, बट आई फॉलोड माई रूल्स, आई फॉलोड माई पैशंस, एंड आई एम प्राउड अबाउट दैट। क्या आपको यहाँ पे सीखने को मिला? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आप में इतना पेशेंस, आपको अपने रूल्स के लिए इतना रिस्पेक्ट है कि नहीं है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, सो दैट आई कैन कम टू नो कि आप कितना डिसिप्लिन्ड हो। थैंक यू।